भोपाल के नेशनल हाईवे पर दो कारों में टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान की हानि नहीं हुई। हादसे के बाद काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू करवाया। हादसे का कारण कार का संतुलन बिगड़ना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज वीरवार को सुबह दो कारों में टक्कर होने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर झिलमिल ढाबा के समीप दो गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और घायलों की सहायता की। वहीं परिजनों ने बताया कि वह फरीदाबाद से चंडीगढ़ की ओर जा रहे थे कि अचानक संतुलन बिगड़ने से गाड़ी टकरा गई, जिसमें गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत यह रही कि किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। बताते चले कि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए मामले का संज्ञान ले लिया है। हमारे को तो सिर्फ इतला मिली है एक्सीडेंट हुआ है। इतला होने के बाद हम आई बात पता करेंगे अभी एक्सीडेंट हुआ कैसे, कारण क्या था। अभी कारण का नहीं पता लग सका, लेकिन बंदे ठीक ठाक है सभी। किसी कहाँ जा रही थी दोनों गाड़ियाँ? दोनों चंडीगढ़ साइड में जा रही थी। चंडीगढ़ से किसी को चोट तो नहीं आई? ना किसी को चोट नहीं आई। आगे बाइक आई हुई थी, मैंने ब्रेक ली जैसे ही, तो पीछे गाड़ी ने हिट कर दिया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? फरीदाबाद से पंचकूला। तो गाड़ी पर हरियाणा सरकार लिखा हुआ जो क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आउटसोर्स की चल, तो हरियाणा सरकार की नहीं तो किसको कुछ नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गाड़ी है, चोट तो नहीं आई। कितने कितने लोग थे दोनों गाड़ियों में? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।